डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज। हालांकि स्ट्रक्चर ऑफ डी ग्लूकोज तो मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन इस लेक्चर के अंदर हम उनकी कंफर्मेशन पढ़ेंगे कि हमें कैसे पता चला भाई कि ग्लूकोज का फार्मूला जो है वो क्या होता है, C6H12O6 होता है, ग्लूकोज का फार्मूला C5H12O5 या फिर C5H10O6 कुछ भी, ये फार्मूला क्यों नहीं बना ग्लूकोज का फार्मूला ये ही क्यों बना। अब जब हम ग्लूकोज को देखते हैं भाई, मान लिया हमने हाथ के यहाँ पे भाई हथेली के ऊपर जो है हमने ग्लूकोज लिया थोड़ा सा, जब आप उस ग्लूकोज का एनालिसिस करते हो तो ये आपको पता नहीं चलता कि ये 6 कार्बन हो गई, ये 12 हाइड्रोजन हो गई, 6 ऑक्सीजन हो गई, तो इससे हमें क्या पता चल गया कि ये ग्लूकोज नहीं भाई। ऐसा कोई मेथड नहीं होता, जितने भी कंपाउंड्स हम चाहे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, चाहे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हैं, चाहे हम किसी मेटल के फार्मूला की बात करते हैं, चाहे हम किसी नॉन मेटल की बात करते हैं, चाहे हम मेटलॉइड्स की बात करते हैं, चाहे हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं, चाहे हैलाइड्स की बात करते हैं, चाहे हम हाइड्राइड्स की बात करते हैं, किसी भी साल्ट की, एसिड की, बेस की हम बात करते हैं, हम उसका एक पर्टिकुलर फार्मूला लिख देते हैं। मान लिया मैंने H2SO4 बोला, H2SO4 बोलते हैं आपके माइंड में क्या आया, ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है, क्या है कि सल्फ्यूरिक एसिड है भाई, जैसे ही मैंने क्या बोला H2SO4। अब क्या करिए, आपके सामने एक लिक्विड ले आए और बोले कि बताओ भाई इसका क्या फार्मूला है, जब तक आप उसके करेक्टराइजेशन नहीं कर लेंगे, करेक्टराइजेशन का मतलब क्या है, उसको किसी दूसरे के साथ रिएक्ट करा करके नहीं देखेंगे, तब तक आपको पता नहीं चलता भाई कि वो जो कंपाउंड आपको दिया गया था उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं, कौन कौन से उसके अंदर ग्रुप प्रेजेंट है, या किन किन बॉन्ड से वो बना है। वो आपको तभी पता चलता है जब आपको जो कंपाउंड दिया गया है उसके लिए पर्टिकुलर आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करते हो, और वो जो टेस्ट परफॉर्म करते हैं हम उनके बेसिस पर हम बताते हैं कि भाई ये जो कंपाउंड है इसके अंदर ऐसे ऐसे ये चीज़ हमने अज्यूम की थी कि इसके अंदर 1 एल्डिहाइड ग्रुप होगा, 5 इसके अंदर जो है अल्कोहलिक ग्रुप होंगे जिसमें से 4 सेकेंडरी अल्कोहलिक होंगे और 1 हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप होगा। ये सारी बातें मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, अगर आपने पहले वाले लेक्चर नहीं देखे हैं तो आई थिंक आपको ये लेक्चर कम समझ में आएगा, तो इससे पहले आप जो है पहले वाले जो प्लेलिस्ट के अंदर नंबर 1 लेक्चर है वहाँ से आप बिल्कुल रेगुलर अगर आप देखते हैं तो आपको कोई दिक्कत इस लेक्चर के अंदर नहीं आएगी। तो सबसे पहले तो मेरा यही सुझाव होगा, अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर नहीं देखे हैं, जो पहले हमारे लेक्चर आ चुके हैं 5 या 6 लेक्चर, वो आप देख लें, उसके बाद आप इस लेक्चर को देखें तो आपको ये बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है भाई, कुछ अलग अलग टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं कि हाँ यही फार्मूला है या नहीं, ये कन्फर्मेशन सही है या नहीं, तो उसके लिए कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं। तो इस लेक्चर के अंदर हम उन्हीं टेस्ट की बात करेंगे, उन्हीं कन्फर्मेशन की बात करेंगे, और फिर हम बात करेंगे उसकी लिमिटेशन की। हालांकि लिमिटेशन आपके स्कोप में नहीं है, आपके सिलेबस के अंदर आई थिंक इंक्लूड नहीं है लिमिटेशन, लेकिन फिर भी हम करेंगे भी, ठीक है, क्योंकि किसी चीज़ की एप्लीकेशन पढ़ने के बाद हमें उसके लिमिटेशंस ऑटोमेटिकली पता होनी चाहिए, ज़रूरी है हमें वो कॉन्सेप्ट कंप्लीट करने के लिए। तो मैं आपको साथ ही साथ कन्फर्मेशन तो बताऊंगा ही, उसके बाद मैं आपको लिमिटेशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहले जो बात करेंगे हम वो आता है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला। क्या भाई, मॉलिक्यूलर फार्मूला, जैसा कि आप सभी को पता है ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C6H12O6 है, लेकिन ये कैसे पता चला, जब इस कंपाउंड का एलिमेंटल एनालिसिस किया गया और इसका मॉलिक्यूलर वेट जब किया गया तो ये पाया गया कि हाँ इसका फार्मूला क्या है, C6H12O6 है। कैसे भाई, जब इसका वेट अगर हम काउंट करें, यहाँ से मॉलिक्यूलर वेट अगर हम काउंट करें, कार्बन का कितना होता है एटॉमिक वेट 12 मल्टीप्लाई बाय 6 एटम प्लस हाइड्रोजन का वेट 1 मल्टीप्लाई बाय 12 एटम प्लस ऑक्सीजन का हमारा 16 एटॉमिक मास इनटू में 6, तो यहाँ से कितना गया 72 प्लस 12 प्लस 96, इसको आप ऐड कर लीजिए एक प्रकार से, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, तो ये हमारा इसका मास आ गया भाई 180 μ, तो कितना मास आ गया इसका 180 μ। तो जब इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला गया तो वो कितना मिला, 180 ही मिला, इसका मतलब ये बात कंफर्म करती है भाई
जो ग्लूकोज का जो मास है वो कितना है, 180 है। इसका मतलब ये एक प्रकार से 6 कार्बन रखता है, 12 हाइड्रोजन रखता है और 6 ऑक्सीजन के एटम रखता है। उसके बाद सेकंड जो बात हमारी कंफर्म होती है, प्रेजेंस ऑफ एल्डिहाइड। अब जब मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई थी, भी मैंने बताया था एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 हमारे सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप थे और एक हमारा प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप था। ये प्राइमरी, ये हमारी सेकेंडरी थी और ये हमारा एल्डिहाइड ग्रुप था। अब ये तो कंफर्मेशन हो गई भी फार्मूला यही है, लेकिन इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, 4 प्राइमरी अल्कोहल है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल है, 1 प्राइमरी अल्कोहल है, इस बात का कैसे पता चले? तो एल्डिहाइड के लिए कुछ रिएक्शंस हमने पढ़ी थी पिछले लेक्चर के अंदर, उसके अंदर हमने 3 रिएक्शन पढ़ी थी। मेनली हमने 3 के साथ रिएक्ट करवाया था, हाइड्रोजन साइनाइड के साथ, हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ और फिनाइल हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, तो इन तीनों के साथ रिएक्ट करके हमारा जो प्रोडक्ट आया था भाई, वो रिएक्शन हमारा कौन सा ग्रुप शो करता है? एल्डिहाइड ग्रुप। मतलब इसके अंदर बेसिकली इसने किसको कंफर्म किया भाई, इसके अंदर कौन सा ग्रुप प्रेजेंट, हमारा कार्बोनाइल ग्रुप। अब ये रिएक्शन मैं आपको कंप्लीट करके नहीं दिखाऊंगा भाई, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में ये सारी बातें पढ़ चुके हैं। जो पहली बार इस लेक्चर को देख रहे हैं उन्हें लग रहा होगा कि ये क्या बता रहे हैं सर, ये हमने ऐसा कुछ पढ़ा नहीं। तो आप पिछले वाला लेक्चर देख लीजिए, आपका कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। हमने ये सारी रिएक्शन, एक एक रिएक्शन हमने बकायदा ये सारी रिएक्शन जो भी एक एक की है, तो इससे क्या कंफर्म हुआ भाई, हमारा एल्डिहाइड ग्रुप इसके अंदर क्या है, प्रेजेंस। थर्ड जो कंफर्मेशन की गई वो की गई थी हमारी रिएक्शन विद ब्रोमीन वाटर। किसके साथ रिएक्शन करवाई गई थी भाई, ब्रोमीन वाटर के साथ। अब ब्रोमीन वाटर के साथ जब इसने रिएक्ट किया था तो इसने क्या बनाया था, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या बना था भाई, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। कैसे बना था ये, C6H11O5, या फिर मैं यहाँ पे C5 लिख लेता हूँ, एल्डिहाइड का कार्बन मैं अलग लिख लेता हूँ CHO। इसके अंदर क्या डालेंगे भाई हम, ब्रोमीन वाटर। हमने ये भाई एक्सप्लेन करके पूरा खोल के लिखा था स्ट्रक्चर को, वहाँ पे मैंने समझाया था कैसे रिएक्ट करता है, यहाँ पे मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो BR2 वाटर के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, C5H11O5, और क्या बन रहा है हमारा COOH। क्या बन रहा है हमारा COOH, ये क्या बन गया हमारा, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके साथ भी हमारा एक प्रकार से जो एल्डिहाइड था उसका ऑक्सीडेशन हुआ और हमारा क्या बन गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। और एल्डिहाइड ही भाई जो होते हैं वो ऑक्सीडेशन करने के बाद क्या प्रोवाइड करते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड। मतलब इस टेस्ट ने क्या कंफर्म कर दिया भाई, कि हो ना हो ग्लूकोज के अंदर यहाँ पे भी कंफर्म होगा एल्डिहाइड ग्रुप। पहले तो कंफर्म हुआ कार्बोनाइल ग्रुप है, अब कार्बोनाइल के दो ग्रुप एल्डिहाइड है या कीटोन है, तो फिर किया गया ब्रोमीन वाटर के साथ टेस्ट। तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट क्या करता है भाई, ये एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज करता है। इसका मतलब अगर ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप है तो वो ऑक्सीडाइज हो जानी चाहिए मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और ऐसा हुआ भी। तो इसने क्या कंफर्म किया कि जो कार्बोनाइल ग्रुप है उसकी कौन सी टाइप प्रेजेंट है, यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप जो हमारा प्रेजेंट है। इससे क्या नाम होता है हमारा, लिख चुके हैं वैसे तो, ग्लूकोनिक एसिड। क्या बोलते हैं इसको, ग्लूकोनिक एसिड। अब ये स्ट्रक्चर थी हमारी, ये टेस्ट क्या हो गया भाई हमारा, कंफर्म हो गया कि ग्लूकोज के अंदर भाई हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है, एल्डिहाइड ग्रुप। अब हम टेस्ट परफॉर्म करेंगे किसका पता लगाने के लिए, इसके अंदर कौन सा ग्रुप है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्योंकि इसके साथ क्या अटैच है हमारा, OH। तो फोर्थ हम जो टाइप करेंगे वो किसके लिए करेंगे, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप, कि भाई इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है होता है या नहीं होता है, उसके लिए जो है हम टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए क्या करवाया गया, इसको रिएक्ट करवाया अनहाइड्राइड के साथ। पिछले लेक्चर में भी हमने की थी रिएक्शन, क्या था, इट रिएक्ट विद अनहाइड्राइड। क्या फॉर्मूला होता है अनहाइड्राइड का, CH3CO का ट्वाइस हो, मैं बता चुका हूँ ये बनता कैसे है। ठीक है, विच गिव पेंटा एसिटेट। इसने क्या बना दिया था भाई,
पेंटा एसिटेट, मतलब फार्मूला लिख लेता हूं मैं C6H7OOH5। मैंने क्या किया, ये जो पांच OH ग्रुप थे, अभी फिलहाल हम बात नहीं कर रहे कि अल्कोहल प्राइमरी है सेकेंडरी है, पहले हम बात कर रहे हैं कि वे अल्कोहल है कितनी। तो उसके लिए मैंने OH को अलग कर लिया। अब इस फार्मूला से आप पांच OH को अलग निकाल लीजिए तो हमारे पास क्या बचेगा, C6H7O बचेगा। उसको रिएक्ट करवाएगा किसके साथ है, एनहाइड्राइड के साथ। क्या डाला गया यहाँ पे, CH3CO का ट्वाइस O डाला गया। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना हमारा, पेंटा एसिडेट। पेंटा का मतलब है पांच। अब अनहाइड्राइड का काम क्या होता है, यहाँ से OH की क्लीवेज करेगा और उसके साथ खुद आकर के COCOCH3 कंबाइन होगा, या फिर H की क्लीवेज करेगा, बोल सकते हैं हम COCH3 कंबाइन होगा, एसीटेट आयन बनाएगा। एसीटेट बेसिकली क्या होता है हमारा, CH3CO नेगेटिव, ये एसीटेट होता है हमारा। तो यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बना भाई, बनेगा C6H7O। अब इसके बाद आपको प्रोडक्ट याद करने की जरूरत है, क्योंकि मैंने बता दिया अभी एसीटेट आयन क्या होता है हमारा, CH3COO होता है हमारा। तो OH5 की जगह क्या लिख देंगे हम, CH3CO5, क्योंकि पेंटा एसीटेट बना, तो OOCOOCCH3, ठीक है, की पावर 5। तो एक प्रकार से इस टेस्ट ने क्या कंफर्म कर दिया भाई, कि हमारे कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है, इसके अंदर पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्योंकि इसके लिए जो कंज्यूम हुए वो कितने मोल कंज्यूम हुए हमारे अनहाइड्राइड के, 5 मोल कंज्यूम हुए और निकले कितने, 5 मोल एसिटिक एसिड भी निकले, ठीक है। तो एक प्रकार से अगर एक OH होता तो कितना मोल लगता भाई हमारा, एक मोल लगता, लेकिन OH कितने हैं, 5। प्रोडक्ट जो बना उसमें कितने आए हैं, 5 मोल। इसका नाम क्या है, ग्लूकोज पेंटाएसिटेट। तो एक प्रकार से यहाँ से कन्फर्म हो गया कि भी हाँ ये श्योर है कि इसके अंदर हमारे जो है कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप, एक प्रकार से 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्लियर है। उसके बाद सेकंड टेस्ट हम करेंगे नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप के लिए। नेचर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप से आप क्या समझते हैं, कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट है हमारे पास उसमें से कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे हैं जो सेकेंडरी हैं और कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे हैं जो प्राइमरी हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके अंदर डाला गया नाइट्रिक एसिड। क्या डाला गया, नाइट्रिक एसिड। तो नाइट्रिक एसिड जब इसके साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है हमारा, ग्लूकोनिक एसिड बनाता है, ठीक है। क्या था ये रिएक्शन, हम पढ़ चुके C6H12O6, जब नाइट्रिक एसिड हमने डाला था तो इसने इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया था, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसको भी ऑक्सीडाइज कर दिया था, बस क्या था, क्या COOH, अंदर क्या CHOH की पावर 4 COOH। अब देखिए आप, अब नाइट्रिक एसिड किसको ऑक्सीडाइज करता है, एल्डिहाइड को तो ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, और प्राइमरी अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करता है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। इट मींस बच गए कौन, 4 ग्रुप बच गए हमारे, और सेकेंडरी का वो कन्वर्जन नहीं करवाता, क्योंकि अगर वो सेकेंडरी का कन्वर्जन करवाता, अगर वो उसके साथ अटैच होते एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर, जो दो अगर OH होते तो यहाँ से क्या निकल जाता, एक वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं हुआ अभी, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ है, ये चारों ग्रुप सेम है, मतलब ये जो ग्रुप है चारों सेम टाइप के हैं, और कौन से अल्कोहल है, सेकेंडरी अल्कोहल है। तो यहाँ से एक प्रकार से कन्फर्म हो गया भाई कि इतने हमारे एक प्रकार से जो है सेकेंडरी अल्कोहल प्रेजेंट है इसके अंदर 4, ठीक है। अब लास्ट में क्या बताएगा भाई, एल्डिहाइड और 5 जो हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्लियर है। तो एक प्रकार से क्या बन गया भाई हमारा, यहाँ से कन्फर्म होगा हमारे पास क्या है, 4 सेकेंडरी अल्कोहल। उसके बाद थर्ड टेस्ट किया गया ये कंफर्म करने के लिए, अब ये 5 कंफर्म हो गए भाई, एक एल्डिहाइड ग्रुप और एक 4 हमारे सेकेंडरी अल्कोहल ग्रुप, ठीक है, और एक हमारा ये बच ही गया, क्योंकि ऑटोमेटिकली अगर 5 कंफर्म हो गए तो एक OH बच गया, लेकिन फिर भी इसके लिए भी हम टेस्ट करेंगे फर्दर, ठीक है। तो पहले हम टेस्ट करेंगे एक एल्डिहाइड ग्रुप है और 5 क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो क्या लिखेंगे, 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, 1 एल्डिहाइड ग्रुप एंड 5 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ठीक है। कैन बी फर्दर कन्फर्म्ड बाई रिडक्शन विद सोडियम अमलगम,
रिडक्शन में दे सोडियम अमलगम, जिसे हम क्या बोलते हैं भाई NaHg। ये पहले तो क्या किया भाई, एक एल्डिहाइड और पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप को कंफर्म करने के लिए हम पहले उसका रिडक्शन कराएंगे किसके साथ, सोडियम अमलगम के साथ, और फिर उसको हम फर्दर क्या कर देंगे, रिएक्ट करा देंगे किसके साथ, पेंटाएसिटेट के साथ, इसके साथ करा देंगे पेंटा, या पेंटा छोड़िए आप, पहले सिंपल क्या लिख लीजिए आप, हमने यहाँ पे किसके साथ रिएक्ट करवाया था इसको, अनहाइड्राइड के साथ, फर्दर रिएक्ट विद अनहाइड्राइड। अब देखते हैं अभी होता क्या है, तो यहाँ पर क्या किया गया, C6H12O6, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ CHO, CHOH के चार CH2OH। आपको पता है भाई सोडियम अमलगम की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन होता है, और रिडक्शन में एक हाइड्रोजन सी एच के साथ और एक ओ के साथ आ जाती थी, क्या बन जाता था भाई हमारा सी एच टू ओ एच, सी एच ओ एच की चार सी एच टू ओ एच। अब याद करो भाई, जब यहाँ पर पांच ओ एच थे तो पांच पेंटा पांच अनहाइड्राइड का हमारा यूज हुआ था, अब यहाँ पे ओ एच कितने हो गए भाई, छह, इसको क्या बोलते हैं हमें, हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, क्या बोलते हैं इसको, हेक्साहाइड्रिक एल्कोहल, और इसका कॉमन नेम होता है सोर्बिटोल, क्या बोलते हैं इसको, सोर्बिटोल। अगर मैं इसके अंदर क्या डाल दूं, अनहाइड्राइड डाल दूं, क्या डाल दूं भाई, अनहाइड्राइड, तो बताइए आप क्या प्रोडक्ट बनेगा। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या था, जब हमारे पास पांच हाइड्रोक्सिल थे तो पेंटाएसिटेट बना था, अब हमारे पास छह अगर OH है, अगर वास्तव में यहां पर एक एल्डिहाइड पांच हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो रिडक्शन से सोर्बिटोल बनेगा और अनहाइड्राइड से हमें क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से CH2OCO CH3 की पावर चार और CHOCOCH3, एक प्रकार से क्या बन गया हमारे पास, हेक्साएसीटेट, क्या बन गया, हेक्साएसीटेट। तो इसने किसको कंफर्म कर दिया कि हाँ इसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है और पांच के हमारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, क्लियर है। इसके बाद अब देखिए आप क्या क्या कंफर्म हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला कंफर्म हो गया, फिर हमारा एल्डिहाइड ग्रुप कंफर्म हो गया, सॉरी कार्बोक्सिल ग्रुप कंफर्म हो गया, कार्बोक्सिल के बाद हमारा कंफर्म हो गया भाई कार्बोक्सिल का एल्डिहाइड ग्रुप है, फिर भाई हमारा कंफर्म हो गया कि इसके अंदर अल्कोहलिक ग्रुप है, फिर हमने ये कंफर्म किया भाई इसके अंदर चार सेकेंडरी अल्कोहलिक है और एक प्राइमरी अल्कोहलिक है, फिर पांचों के लिए हमने टेस्ट किया कि पांच अल्कोहलिक और एक एल्डिहाइड ग्रुप, उसके लिए हमने ये टेस्ट किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो टेस्ट किया गया वो टेस्ट किया गया इसकी स्ट्रेट चेन के लिए, कि भाई जो चेन हम बना रहे हैं ग्लूकोज की, बेसिकली वो चेन कैसी है कि स्ट्रेट चेन है कार्बन एटम की, ठीक है। तो इसके लिए इसको किसके साथ ट्रीट किया गया, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। अब ये रिएक्शन मैं पहले बता चुका हूँ आपको, वैसे तो C6H12O6, जब इसको HI के साथ इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस हीट किया गया तो हमारे पास एक स्ट्रेट चेन आ गई एन हेक्सीन की, CH3 CH2 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 CH3 एन हेक्सीन की, और दूसरा क्या बना था भाई हमारा, याद करो, 2-iodohexene CH3 CHI CH2 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 CH3। तो इस प्रकार से इस टेस्ट से हमारा क्या कंफर्म हो गया कि जो चेन अभी वो हमारी कैसी है, स्ट्रेट चेन है, क्लियर है। उसके बाद ये जो कंक्लूजन आया इसको कुछ और ऑब्जर्वेशन की गई भी, पहले इसके अंदर क्या डाला गया, हाइड्रोजन साइनाइड डाला गया, फिर उसका हाइड्रोलिसिस किया गया, और जब HI की प्रेजेंस में इसको रिएक्ट करा गया फिर से जो प्रोडक्ट बना हमारा क्या बना भाई, हेप्टेनोइक एसिड बना था एक प्रकार से हमारा, जिसने कंफर्म किया कि हाँ इसका फार्मूला हमारा C6H12O6 है और ये स्ट्रेट चेन है, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ हम बात करेंगे भी ओपन चेन स्ट्रक्चर की, कि भाई अब इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसी आ गई है, ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। इसके अंदर एक भाई स्ट्रेट चेन है जिसके अंदर छः कार्बन एटम है, दूसरा भाई इसके अंदर एल्डिहाइड ग्रुप है, ठीक है, क्या भाई क्या क्या कन्फर्मेशन होगी, छः कार्बन है टोटल, दूसरी क्या कन्फर्मेशन होगी, एक एल्डिहाइड ग्रुप है, तीसरी क्या कन्फर्मेशन होगी भाई, चार सेकेंडरी अल्कोहलिक ग्रुप है, और फोर्थ क्या कन्फर्मेशन होगी भाई, एक हमारी प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप है, क्लियर है। तो ये इसकी क्या आ गई एक प्रकार से ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गई थी, ठीक है।
उसके बाद ओपन चेन स्ट्रक्चर को कैसे लिख दिया गया, इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर कैसे दे दी गई, CH2OH CHOH 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 CH2OH। आप इसको ऐसे लिख दीजिए CH2OH CHOH कितनी बार अभी, एक दो तीन चार बार है हमारा, और यहाँ पे क्या आ गया हमारा CHO। तो एक प्रकार से क्या आ गया इसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर आ गई, ठीक है। उसके बाद फर्दर और कंफर्मेशन की भी जो ये टेस्ट है भाई हमारा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टेस्ट है भाई, ठीक है। इसको स्पेशल नाम दिया जाता है भाई इस टेस्ट के लिए, ठीक है। और ये जो टेस्ट है पीरियोडिक एसिड के साथ करवाया जाता है, ठीक है। इससे हम बिल्कुल श्योर हो जाएंगे कि हाँ हमारा जो कंपाउंड हमें दिया गया है उसका फार्मूला C6H12O6 है, उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, चार सेकेंडरी अल्कोहल हैं और एक प्राइमरी अल्कोहल है। तो इसको हम एक प्रकार से नाम दे देते हैं सम मोर प्रूफ टू कंफर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। क्या आया अभी हमारा, सम मोर प्रूफ टू कंफर्म ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ए ग्लूकोज, ठीक है। तो ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी भी ये ग्लूकोज की, ये कंफर्म की गई थी किसके द्वारा, पीरियोडिक एसिड के द्वारा। इसको क्या बोलते हैं भाई, किसके द्वारा कंफर्म किया गया, इसको मलाप्रेड रिएजेंट के द्वारा। किसके द्वारा कंफर्म किया गया था भाई, मलाप्रेड रिएजेंट। अब क्या होता है हमारा मलाप्रेड रिएजेंट, मलाप्रेड रिएजेंट, इसको क्या बोलते हैं भाई, पीरियोडिक एसिड, जिसका फार्मूला होता हमारा HIO4। मतलब जो हमारी ग्लूकोज उसको किसके साथ रिएक्ट करवाया गया था, HIO4 के साथ। और जब इसको रिएक्ट करवाया तो ये देखा कि ग्लूकोज के अंदर जो हमारे 5 मोल पीरियोडिक एसिड जो है कंज्यूम हो गए हैं, और कंज्यूम होने के बाद हमें एक फॉर्मेल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिल रहा है और 5 मोल हमें फॉर्मिक एसिड के मिल रहे हैं। तो जिसने कंफर्म किया भी इसके अंदर एक एल्डिहाइड है और 5 हमारी एल्कोहल है, ठीक है। तो ग्लूकोज कंज्यूम्स 5 मोल्स ऑफ पीरियोडिक एसिड एंड गिव 1 मोल, गिव 1 मोल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। 1 मोल तो क्या दिया अभी उसने, फॉर्मेल्डिहाइड एंड 5 मोल ऑफ फॉर्मिक एसिड। अब पहले तो भाई HIO4 का काम क्या है, एक प्रकार से आप ये लगा सकते हैं भाई, ये एक प्रकार से क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा इसमें, क्लियर है। तो अब हुआ क्या, हमारी स्ट्रक्चर ये थी भाई CHO CHOH CHOH का थ्राइस CH2OH, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने क्या डाला भाई, HIO4 का 1 मोल डाला। अब ये क्या करेगा, अभी यहाँ से क्लीवेज करेगा, क्या करेगा, यहाँ से क्लीवेज करेगा, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा, क्या बना COOH, क्या बना भाई, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई, क्या बनाया COOH। अब यहाँ पर ये स्पीसीज तो स्टेबल नहीं हुई भी, क्योंकि यहाँ पर अब इस कार्बन के 3 ही बॉन्ड रह गए हैं, तो एक एच क्या करेगा इसके पास आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। मतलब क्या बनेगा, एक प्रकार से क्या निकल गया, HCOOH प्लस क्या बन गया यहाँ पे CHO। अब एक CH को मैं इसमें से बाहर निकाल लेता हूँ, CHOH CHOH का ट्वाइस CH2OH। अब हमारे पास जो एल्डिहाइड था ऑक्सीडाइज होकर के ये क्या बन गया भाई हमारा, फॉर्मिक एसिड, क्लियर है। अब क्या डाला गया फिर से, HIO4, ये सजेस्टेड मैकेनिज्म है भाई, सेकंड मोल। अब इसका तो काम वही है भाई, जो साइट इसको मिलेगी वही से क्लीवेज कर देगा, एक ऑक्सीजन वही इसके साथ और एक हाइड्रोजन यहाँ से, क्या निकल गया हमारा यहाँ से HCOOH। अब इसके साथ HCOH निकल गया, यहाँ से H जा चुका है, क्या बचा है यहाँ पे CHO,
इसको मैं कैसे लिख लूं, सी एच ओ एच, ट्वाइस लगाने की जरूरत नहीं है, सी एच ओ एच और सी एच टू ओ एच। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक मोल फॉर्मिक एसिड ये बन गया था, एक मोल ये बन गया, कितना यूज हुआ है, दो मोल यूज हुआ है। फिर से अब फिर से एच आई ओ फोर डाल देंगे, थ्री मोल, फिर से क्या हुआ, अब यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, फोर मोल डालेंगे, यहाँ से क्लीवेज हो जाएगी, फिफ्थ मोल की मैं डायरेक्ट रिएक्शन लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अलग अलग है हमारा, यहाँ पे सी एच ओ एच और यहाँ पे क्या है सी एच टू ओ एच, तो क्या है मैं फोर्थ मोल और ये रिएक्शन लिख रहा हूँ भाई एच आई ओ फोर की फिफ्थ मोल के लिए, ठीक है। अब फिफ्थ मोल पे क्या हुआ, एक मोल यूज किया एक मोल फॉर्मिक एसिड, दो मोल यूज किया दो मोल फॉर्मिक एसिड, तीन मोल यूज करूंगा तीन मोल फॉर्मिक एसिड, चार मोल फॉर्मिक एसिड, पांच मोल फॉर्मिक एसिड, मतलब जब मैं पांचवा मोल यूज करूंगा तो यहाँ पर क्या होगा, जो फोर्थ बना है ये ऐसे होगा भाई, क्या बचा होगा यहाँ पे हमारा, यहाँ पे होगा सी एच ओ और यहाँ पे हमारा क्या बचा हुआ है सी एच टू ओ एच, ऐसे बचा हुआ है। तो यहाँ से हमारी क्लीवेज होगी, क्या डाल दिया हमने, फिफ्थ मोल डाल दिया। अब होना क्या है, फोर्थ फॉर्मिक एसिड बनना है एच सी ओ ओ एच। अब यहाँ एक एच जा चुका है तो बचा क्या हमारा यहाँ पे एच सी एच ओ, तो हमारे पास पांच मोल तो किसके आ गए हैं, फॉर्मिक एसिड के, विच कंफर्म दैट प्रेजेंस ऑफ फाइव एल्कोहल ग्रुप, इतने प्रेजेंट है पांच एल्कोहल, और एक क्या आ गया भाई हमारा फॉर्मेल्डिहाइड, विच कंफर्म दैट इट कंटेन वन एल्डिहाइड, क्लियर है। तो इस प्रकार से जो है भाई आप क्या बता सकते हो, फर्दर कंफर्मेशन दे सकते हो ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज के लिए, क्लियर है। उसके बाद अब एक आध साइंटिस्ट अब भी ऐसा बचा हुआ था भाई, जो ये बोल रहा था कि मेरे को अब भी डाउट है, क्या पता इसके अंदर हाइड्रोजन जो है 12 की बजाय 11 हो, या क्या पता 12 की जगह 13 हाइड्रोजन हो, क्योंकि भैया हाइड्रोजन का मास अब थोड़ा सा तो है 1 μ है, इतना स्मॉल मास है, क्या पता कहीं पे चूक हो गई हो। तो फिर साइंटिस्ट क्या बोले भाई, ठीक है तो रुक, हम 13 भी जो भ्रम है उसको दूर करेंगे। उन्होंने फर्दर क्या किया, लास्ट टेस्ट किया, सिक्स टेस्ट है, कंफर्मेशन ऑफ डी ग्लूकोज, किसकी कंफर्मेशन के लिए, डी ग्लूकोज की कंफर्मेशन के लिए, ठीक है। उस कंफर्मेशन के लिए उन्होंने क्या किया, अब जब हम स्ट्रक्चर बनाते हैं डी ग्लूकोज की, सी एच ओ सी एच ओ एच की चार और सी एच टू ओ एच, तो दूसरे कार्बन से लेकर जब पांचवें कार्बन तक हम आते हैं तो हमारे पास चार स्टीरियो सेंटर है भाई, क्या हमारे पास चार स्टीरियो सेंटर है। अब किसी के भी नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर निकालने के लिए भी हमारा वैसे फार्मूला होता है 2 की पावर n, और n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, n क्या होता है हमारा नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर, और स्टीरियो सेंटर यहाँ पे कितने, चार, तो 2 की पावर 4, मतलब टोटल कितने आइसोमर होने चाहिए भाई इसके, 16 आइसोमर होने चाहिए ग्लूकोज के। तो साइंटिस्ट क्या बोले भाई कि अगर हम 16 आइसोमर इसके बढ़ा दें फिर तो तेरा जित जाएगी ना, मतलब फिर तो आपको यकीन आ जाएगा ना कि ये एक्चुअल में डी ग्लूकोज का ही फार्मूला है। तो बोला हाँ ठीक है फिर मैं मान जाऊंगा। तो उन्होंने क्या लिखा, डी ग्लूकोज हैज 4 काइरल कार्बन एटम, डी ग्लूकोज के पास भाई 4 काइरल कार्बन एटम है, कहाँ से कहाँ भाई, फ्रॉम 2 to 5, ठीक है। हैंस नंबर ऑफ पॉसिबल स्टीरियो आइसोमेरिक स्ट्रक्चर शुड बी, वो कितनी होनी चाहिए, 2 की पावर n, या फिर क्या बोल सकते हैं 2 की पावर, अब चार स्टीरियो सेंटर है तो कितने आइसोमर होने चाहिए हमारे, 16 आइसोमर होने चाहिए, क्लियर है। तो अब यहाँ से क्या बात आ गई, ऑल 16 स्टीरियो आइसोमर्स आर नोन, क्या कर लिया गया अभ्यास, उनको 16 के 16 स्टीरियो आइसोमर्स को जान भी लिया गया है और उनको आइसोलेट भी किया गया है, ठीक है। एंड इन फॉर्म ऑफ एग्जिस्ट एंड एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ 8 इनेंसियोमर पेयर, वो
किस फॉर्म में मिलते हैं भाई, आठ इनेंसियोमरिक पेयर में मिलते हैं। इनेंसियोमरिक पेयर बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है भाई, जो डी एंड एल फॉर्म होते हैं किसी भी कंपाउंड के लिए, इसके लिए हम इनेंसियोमरिक यूज करते हैं। तो आठ है, आठ डी होगी, आठ एल होगी, तो टोटल कितनी होगी हमारे एक प्रकार से 16 उसकी स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, तो दे एग्जिस्ट इन 16 डिफरेंट आइसोमर इन डी एंड एल फॉर्म। किस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है भाई, डी एंड एल फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। अलग अलग जो हमारे आठ इनेंसियोमर या 16 अलग अलग आइसोमर बोल सकता हूँ, क्लियर है। अब आइसोमर कौन कौन से हैं भाई, वो हमारे एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ठीक है, क्या क्या होगा भाई, एलोज, एल्ट्रोज, ग्लूकोज, मैनोज, ग्लूकोज, ठीक है, आइडोज, गैलेक्टोज एंड टेलोज। अब स्टीरियोआइसोमेरिक फॉर्म, सॉरी भाई इनेंसियोमेरिक फॉर्म का मतलब क्या है, बस वो भाई रोटेशन में डिफर करती है, फार्मूला क्या रहेगा उनका सेम रहेगा। तो इस प्रकार से कंफर्म किया गया भाई डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर। लेकिन जैसा कि आपको पता है भाई, जो साइंस है या फिर जो भगवान है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं हमें नहीं पता, लेकिन जिस तरह से इसकी स्ट्रक्चर को कंफर्म करने के लिए कुछ टेस्ट दिए गए, उसी तरह से कुछ टेस्ट ऐसे थे जो इसको देने चाहिए थे, लेकिन जब साइंटिस्ट्स ने उन रिएजेंट्स का यूज किया तो वो टेस्ट इसने नहीं दिए। मतलब एक प्रकार से उन टेस्ट को जब हम देखते हैं तो उनसे हमें पता लगता है कि भाई डी ग्लूकोज की जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर कहीं ना कहीं अब भी कोई फार्मूला में या उसकी स्ट्रक्चर में किसी प्रकार की चूक है, किसी फंक्शनल ग्रुप की चूक है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं भाई, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, लिमिटेशंस ऑफ ओपन चेन स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहली तो लिमिटेशन इसकी यही थी भाई, इट डज नॉट गिव स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। कौन सा टेस्ट नहीं दे रहा था भाई, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट नहीं देता है। क्या होता है स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, इस टेस्ट के अंदर भाई जो एल्डिहाइड्स होते हैं वो ही केवल पॉजिटिव रिएक्शन शो कर सकते हैं। अगर एल्डिहाइड ग्रुप किसी कंपाउंड के अंदर नहीं है तो क्या शो नहीं करेगा, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट शो नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम ग्लूकोज के अंदर स्किप्स रिएजेंट को डाल दें तो इसको क्या शो करना चाहिए भाई, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट पॉजिटिव देना चाहिए, मतलब स्किप्स रिएजेंट टेस्ट हमारा कंफर्म होना चाहिए। लेकिन स्किप्स रिएजेंट के साथ रिएक्शन नहीं हुई, इसका मतलब यहाँ से कहीं ना कहीं क्या बात निकल के आई कि भाई हो ना हो ग्लूकोज के अंदर कौन सा ग्रुप नहीं है, एल्डिहाइड ग्रुप नहीं है, ठीक है। तो क्या है, इट डज नॉट अंडरगो सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस, सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शंस ऑफ एल्डिहाइड्स, बट इट डज नॉट गिव स्किप्स रिएजेंट टेस्ट, स्किप्स रिएजेंट टेस्ट। अब स्किप्स रिएजेंट टेस्ट क्या होता है ये हमें यहाँ पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो हमारा ऑर्गेनिक में एल्डिहाइड कीटोन में आता है, ठीक है, अगर आपने पढ़ रखे होगे तो आई थिंक आपको आता भी होगा। सेकंड क्या था, अब हमने पढ़ा था भाई ग्लूकोज जो है रिएक्ट कर रही थी हाइड्रोक्सिल अमीन के साथ, रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल अमीन। अब हाइड्रोक्सिल अमीन का फॉर्मूला क्या था भाई हमारा, NH2OH, और किसकी फॉर्मेशन हो रही थी, ऑक्साइम की फॉर्मेशन। क्या था भाई ऑक्साइम, जैसे ऐसे बना रहे थे भाई जो कार्बन था ना उसके साथ डबल बॉन्ड NH, कुछ ऐसा कंपाउंड हमारा बना था, पूरा लिखने की जरूरत है, बस मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ऑक्साइम बेसिकली होता क्या है, व्हेन इट रिएक्ट विद ग्लूकोज पेंटा एसिटेट, या ग्लूकोज लिखने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्ट लेते हैं पेंटा एसिटेट, इट डज नॉट फॉर्म ऑक्साइम। ये इसके साथ जो है क्या नहीं बनाती है, ऑक्साइम नहीं बनाती है, ठीक है। थर्ड, जो
डी ग्लूकोज अभी हमारी वो दो आइसोमर बनाती है, फॉर्म टू आइसोमर मिथाइल ग्लूकोसाइड्स। वो जो दो आइसोमर हमारे मिथाइल ग्लूकोसाइड कौन कौन से हैं, अल्फा एंड बीटा मिथाइल ग्लूकोसाइड जो हैं वो एक प्रकार से उसकी फॉर्मेशन कर रही है। अब दो अलग अलग फॉर्म क्यों बना रही है, एक ही फॉर्म क्यों नहीं बना रही, ये भी एक प्रकार से जो है कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहा था। फोर्थ जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन अल्फा डी ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू स्टीरियो आइसोमेरिक फॉर्म। कि भाई अल्फा ग्लूकोज की दो फॉर्म होती है हमारी, कौन कौन सी, अल्फा एंड बीटा ग्लूकोज, क्लियर है। अब जो अल्फा ग्लूकोज है उसका जो एंगल ऑफ रोटेशन होता है 111 डिग्री होता है, बीटा ग्लूकोज होता है उसका एंगल ऑफ रोटेशन होता है प्लस 19.2 डिग्री होता है। लेकिन अगर थोड़े से भी टाइम के लिए अल्फा ग्लूकोज को या बीटा ग्लूकोज को अगर रख दिया जाता था तो उनका ये जो एंगल ऑफ रोटेशन है वो क्या हो जाता था, चेंज हो जाता था। अब साइंटिस्ट के माइंड में बात आ रही थी भी चेंज क्यों हो रहा है, इसको तो फिक्स रहना चाहिए क्योंकि हमने इसकी जो एग्जैक्ट स्ट्रक्चर है वो तो हमने फाइंड आउट कर ली है, तो ये फिक्स क्यों नहीं है। तो ये चाहे अल्फा ग्लूकोज को रखा जा रहा था थोड़े से टाइम के लिए, चाहे वो हमारा बीटा ग्लूकोज को रखा जा रहा था थोड़े से टाइम के लिए, दोनों घूम फिर के क्या बना रहे थे, इक्विलिब्रियम मिक्सचर बना रहे थे। और उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का जो एंगल ऑफ रोटेशन आ रहा था वो कितना आ रहा था, प्लस 52.5 डिग्री आ रहा था। मतलब कहीं ना कहीं इस स्ट्रक्चर के अंदर अब भी कोई ना कोई कमी है, क्लियर है। इसके बाद इस प्रोसेस का एक स्पेशल नाम दिया गया भाई, जिसको बोला गया म्यूटा रोटेशन। क्या बोला गया, फिफ्थ लिख लेता हूं इसको, म्यूटा रोटेशन। कई बार ये डेफिनेशन पूछ ली जाती है भाई, व्हाट इज ए म्यूटा रोटेशन। तो म्यूटा रोटेशन क्या है भाई, कि जो अल्फा ग्लूकोज है या बीटा डी ग्लूकोज है इनकी जो स्पेस एक प्रकार से ऑप्टिकल एक्टिविटी है, या एक प्रकार से हम बोल सकते हैं इसकी जो स्पॉन्टेनियस से जो रोटेशन के अंदर जो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर उस चेंज को क्या बोलते हैं हमें, म्यूटा रोटेशन। क्या बोला हमें, इट इज डिफाइंड एज द स्पॉन्टेनियस चेंज इन ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ ए कंपाउंड विद टाइम। ये बात लिखनी बहुत जरूरी है भाई कि वो जो उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज होगी विद टाइम होगी। ऐसा नहीं है कि एक मिनट हमने उसको रख दिया और हम उसकी ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज करेंगे और बोल देंगे देखो ऑप्टिकल एक्टिविटी चेंज नहीं हुई, मैंने इसका फॉर्मूला बता दिया। नहीं, वो ऑप्टिकल एक्टिविटी के अंदर चेंज होगा लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम के बाद हम उसको चेंज करेंगे विद टाइम टू एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर या इक्विलिब्रियम टू एन इक्विलिब्रियम वैल्यू। तो ये जो चेंज था ऑप्टिकल रोटेशन का, इस प्रोसेस को भाई क्या नाम दिया गया, म्यूटा रोटेशन नाम दिया गया, क्लियर है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसके अंदर हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया, जिसके अंदर हमने कंफर्म किया। इससे पहले वाले लेक्चर के अंदर हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट स्ट्रक्चर लेकर के चल रहे थे और ये जो ओपन चेन स्ट्रक्चर थी भाई इसको कंफर्म किया था, इसकी जो फिशर प्रोजेक्शन है या ये जो स्ट्रक्चर हम यूज करें वो किसने दी थी, एमिल फिशर ने उसको कंफर्म किया था, ठीक है। तो ये सारे जो टेस्ट है ये एक प्रकार से शो करते हैं कि भाई जो ग्लूकोज का जो मोलिक्यूल उसका फार्मूला C6H12O6 है, उसके अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप है, चार उसके अंदर सेकेंडरी अल्कोहल है, एक उसके अंदर प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। और लेकिन कुछ लिमिटेशन है तो वो लिमिटेशंस भी हमने पढ़ी। आज के लेक्चर में इतना करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।